हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी आधुनिक इतिहास में जो है पुर्तगालियों से शुरू करेंगे। तो जो भारत में पुर्तगाली का कैसे आगमन हुआ और इन्होंने इनके क्या क्या योगदान थे, इनका पतन का कारण क्या था, ये सभी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो देखिए, जितने भी यूरोपीय भारत में आए तो उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर यूरोपियों के आने का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों के बाद आए थे डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए थे, फिर उसके बाद जो थे स्वीडिश आए थे। तो यहाँ स्वीडिश नहीं, स्वीडिश होगा, तो स्वीडी यानी स्वीडन के लोग जो को बोलते हैं स्वीडिश, और फ्रेंच तो जानते हैं, अंग्रेज जानते हैं, डच जो है नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के लोगों को बोला जाता है, और पुर्तगाली किसको बोलते हैं, पुर्तगाल के लोगों को। तो ये सभी तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे। तो ये देखिए, ये यूरोपियों के आने का क्रम था। तो हम देखिए, सबसे पहले आज पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में, तो इनका आगमन कैसे हुआ, फिर अगले लेक्चर में डच देखेंगे, फिर अंग्रेज, फ्रेंच, स्वीडिश, ये सभी हम वन बाई वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों को अच्छी भली भांति पता होगा कि भारत की खोज किसने की, पुर्तगालियों ने की, यानी कौन सा पुर्तगालियों ने, कौन था वो, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा ने कब, 1498 में जो है भारत की खोज की थी। तो देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे अंतिम में जाने वाले कौन थे, अगर पूछा जाए तो वो कौन थे, वो पुर्तगाली ही थे। क्लियर। देखिए, सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भी गए थे। सबसे लास्ट में कब गए थे, इन्होंने गोवा को कब छोड़ा था, 1962 में। क्लियर। अब आगे देखिए, ये जो है भारत में आए और किस लिए आए इन्होंने, देखिए ये जो मेनली भारत में मसाला, जेम्स यानी जेम्स या फिर ज्वेलरी, जेम्स का मतलब होता है रत्न, और ज्वेलरी के व्यापार करने के लिए ये आए थे भारत में। तो देखिए, ये जो है वास्को डी गामा किस रास्ते से भारत आया था, ये केप ऑफ गुड होप जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, उसके रास्ते जो है वो भारत आया था, यानी वो पुर्तगाल से चला, पुर्तगाल से जो है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे रुका, फिर उसके बाद वो कहाँ आया, भारत आया। तो देखिए, वो डायरेक्ट भारत नहीं आ गया, उसकी एक भारतीय व्यापारी था जो कि उसे रास्ते में मिल गया, उसका नाम था अब्दुल मजीद। इसने क्या किया था, वास्को डी गामा की मदद की थी भारत तक पहुँचाने में। ठीक है, तो किसने मदद की थी, कौन भारतीय व्यापारी था, वो अब्दुल मजीद था। तब देखिए, ये मान लीजिए अब तो भारत आ गया, अब वहाँ पे कोई ना कोई राजा होगा, कोई ना कोई, यहाँ पे, यहाँ देखिए वहाँ है, तो वहाँ का जो राजा था यानी कौन था, राजा जोमोरिन था। और ये सबसे पहले आता कहाँ पे, कोचिन यानी कालीकट बंदरगाह के पास आता है, कोचिन में। अब देखिए, भारत का राजा कौन रहता है, देखिए हम यहाँ पे कोचिन के एरिया यानी केरल के राजा की बात कर रहे हैं, तो वो कौन था, जोमोरिन था। लेकिन अगर पूरे भारत की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा जो उस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत में कौन था, वहाँ का राजा, सिकंदर लोदी था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो मसाला, जेम्स और ज्वेलरी के व्यापार के लिए ये आए थे, केप ऑफ गुड होप के रास्ते आए थे, और किसने मदद की थी, अब्दुल मजीद ने मदद की थी, और कालीकट का यानी कोचिन का वो वहाँ का राजा कौन था, राजा जोमोरिन था, और भारत का राजा कौन था, सिकंदर लोदी। अब उसके आगे देखते हैं हम, इनकी जो कंपनी थी, है ना, यानी इन्होंने जो कंपनी अपनी स्थापित की थी वो 1502 में स्थापित की थी, और उसका नाम रखा था एस्टोडे द इंडिया। ठीक है, एस्टोडे द इंडिया इन्होंने जो है अपनी कंपनी का नाम रखा था, और कब स्थापना की थी, 1502 में स्थापित की थी ये कंपनी। और इन्होंने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी, वो कोचिन में ही लगाई थी, यानी कोचिन आए और कोचिन में ही फैक्ट्री लगा दी, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम गवर्नर की बात करते हैं। जितने भी पुर्तगाली गवर्नर आए हैं उनमें देखिए, सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर है वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था। तो आपको इतना बड़ा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्मेडा याद रखिए। क्या याद रखिए, अल्मेडा, यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते आ गया, अल्मेडा। ठीक है, तो वो कब आया था, 1505 में जो है इसे जो है गवर्नर बना के भेजा गया। तो ये जो याद हो गया आपको कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मेडा था। और इसकी जो, इसके बारे में अगर आप याद रखें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसकी जो है ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ही फेमस थी। तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, देखिए ये इंडियन ओशन रूट पर नियंत्रण करने के लिए, यानी जो भी समुद्री जो
जो भी समुद्री रास्ते थे ये उस पर कंट्रोल करना चाहता था, यानी ये मतलब ये चाहता था कि इस पे जो जितने भी लोग आगमन निगमन करें, यानी जो भी आए जाए, वो सब पे क्या अधिकार हो, मेरा अधिकार हो। यानी अगर उसमें कोई भी इस रास्ते से आना हो या किसी को भी जाना हो तो वो मुझसे पूछ के जाए। यही इनका जो था ब्लू वाटर पॉलिसी था। तो अब देखिए, इसके लिए अब मान लीजिए कि आपको जाना है उस समुद्र के रास्ते, तो आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आपको जो है वो परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, तो अब वो जो परमिशन लेते थे, अगर आपको परमिशन मिल गया तो आपको एक टिकट यानी एक लेटर मिलता था, तो उस लेटर को बोलते थे कार्टेज। क्या बोलते थे? कार्टेज। अब उस लेटर के अगर आप वो लेटर अगर आपके पास कार्टेज है तो आप उस समुद्री रास्ते में जा सकते हैं, आ जा सकते हैं अथवा नहीं। जैसे कि हम टिकट, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी देखने के लिए उससे पहले हमें टिकट लेना पड़ता है, यानी एक तरह का परमिशन ही तो है कि हम वो मूवी देख सकते हैं या नहीं। तो अगर आपके पास वो टिकट है तभी आप मूवी देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। उसी तरह अगर आपके पास कार्टेज है तो आप जो है समुद्री रास्ते में आगमन कर सकते हैं, आगमन निगमन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यही थी ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी? फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो वो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। सिर्फ नाम याद रखिए, अल्मेडा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो इतना बड़ा नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ याद रखिए अल्बुकर्क। और ये अल्बुकर्क कब आया था? ये 1509 में आया था, 1509 में। इसकी देखिए, इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या 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 है, ये देखिए, ये दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, और देखिए पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं, यानी जो इसने क्या किया, जब देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया था, तो अगर ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई तो जाहिर सी बात है पुर्तगाली शक्ति भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। तो पुर्तगाली की जो शक्ति थी उसका वास्तविक संस्थापक इसको कहते हैं, अल्बुकर्क को कहते हैं। उसके बाद देखिए इसने क्या किया था, 1510 में, यानी अगले ही साल, जिस साल ये वाइसरॉय बने थे, जिस साल ये गवर्नर बने थे, उसके अगले ही साल इन्होंने क्या किया, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, यानी अब गोवा किसके अधिकार में है? पुर्तगालियों के अधिकार में है। किससे छीना था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने। और किसने छीना था? अल्बुकर्क ने छीना था। और इन्होंने क्या किया था, कोचिन को अपना मुख्यालय बनाया था, यानी पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ थी? कोचिन में। और कोचिन को इन्होंने क्या किया, अपना मुख्यालय बना लिया। क्लियर, अल्मेडा और अल्बुकर्क के बारे में क्लियर हो गया। अब अगला आते हैं, तो अगला जो बहुत दो और इम्पॉर्टेंट है, उतने भी ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट है, मेन जो देखिए यही दोनों हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, जो तीसरे हैं, नीनो दी कुन्ने, इनका नाम भी बड़ा अजीब है, तो सिर्फ कुन्ने याद रखिए आप। देखिए लास्ट का सिर्फ याद रखिए, पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नीनो दी कुन्ने, सिर्फ हम कुन्ने यहाँ पे बोलेंगे। तो देखिए इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने देखिए जो है वो कोचिन की जगह जो है पहली राजधानी अल्बुकर्क ने किसको राजधानी बनाई थी? कोचिन को बनाई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, कोचिन से गोवा को अपनी राजधानी बना लिया। और क्या किया इन्होंने, फिर देखिए मेन तो यही था और बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए इन्होंने क्या किया था, मद्रास, काठियावाड़ और हुगली में ले जाने का कार्य किया था। किसको? पुर्तगालियों को। यानी सीधे सीधे बात यह है कि इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, यानी विस्तार किया। कहाँ कहाँ? मद्रास, काठियावाड़, हुगली वाले क्षेत्रों में। हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल। काठियावाड़ जो किसको बोलते हैं, गुजरात का कुछ क्षेत्र है उसको बोलते हैं काठियावाड़। मद्रास जो है चेन्नई वाला इलाका है। ठीक है, तो ये इन्होंने इस इलाकों में इन्होंने क्या किया, अपना विस्तार किया। और देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती थी। यानी अगर दक्षिण पूर्व, ये देखिए अगर भारत का नक्शा बनाए तो ये कुछ है, यहाँ देखिए केरल, यहाँ देखिए तमिलनाडु। तो दक्षिण पूर्वी तट पर यानी इधर सिर्फ इनका एकमात्र बस्ती था। किसका? पुर्तगालियों का। उसका नाम था सन थोमे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, चौथा गवर्नर कौन था? मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि इन्होंने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया था, और इन्हीं के साथ जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर आए थे। और सेंट फ्रांसिस जेवियर, आप सभी को मालूम होगा कि गोवा में इनका क्या है, चर्च है, और इनकी मम्मी भी वहीं पर ही गोवा में स्थित है। ठीक है, तो सेंट फ्रांसिस जेवियर जो थे, इनका चर्च कहाँ पे है? गोवा में है। ठीक है, और गोवा को किसने जीता था, बताइए? अल्बुकर्क ने जीता था। कब? 1510 ईस्वी में जीता था। ठीक है, और किससे जीता था? आदिल शाह से। क्लियर, आदिल शाह ही नाम था ना, वन सेकेंड, हाँ यूसुफ आदिल शाह,
से जीता था। उसके बाद देखिए अगला हम इन, देखिए ये तो मेन था आपको किनके बारे में, जितने भी इम्पॉर्टेंट गवर्नर थे इनको उनको याद करनी है, इनके बारे में जो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। उसके बाद अब देखिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में, इनका पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए इन जो प्रिंटिंग प्रेस है और तंबाकू की खेती किसने लाई सबसे पहले, पुर्तगालियों ने लाई। अगर पुर्तगालियों में भी पूछा जाए कि किसके टाइम में ये आया था तो वो अल्बुकर्क के टाइम में आया था। तो अल्बुकर्क के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी अल्बुकर्क के बारे में, यानी प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती। तंबाकू की खेती जो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है ना, गुंटूर और कुरनूल वाले इलाके में, तो देखिए वहाँ पर जो है ये जो प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती शुरुआत किसने की, पुर्तगालियों ने। और मेन जो देखा जाए किसके टाइम में, अल्बुकर्क के टाइम में ही आया था भारत। और जहाजगानी उद्योग को बढ़ावा मिला और स्थापत्य कला, ठीक है स्थापत्य कला में कौन सा, जो गोथिक आर्किटेक्चर होता है उसको जो है उसकी शुरुआत भारत में किसने की, पुर्तगालियों ने की। और उसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी जो है पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। और ये इनके पतन का कारण क्या था, ठीक है तो इनके पतन का कारण देखिए सबसे पहले तो धार्मिक नीति हम देखेंगे। तो अल्फांसो जो डिसूजा थे उनके सामने, जो उन्होंने ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, तो जाहिर सी बात है एक धर्म को बढ़ावा देंगे तो कुछ ना कुछ तो होने ही वाला ही है, ठीक है इस पर हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। आप समझ जाइए कि ईसाई जो था इनके पतन का ये भी एक कारण था, धार्मिक नीति इन्होंने अपनाई दी थी, ईसाई धर्म को क्या काफ़ी बढ़ावा दिया था। और सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, जाहिर सी बात है अगर कोई एक व्यक्ति अगर किसी चीज़ अधिकार करेगा तो दूसरे व्यक्ति जो है उसका तो विरोध तो करेगा ही करेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी से काफी ज्यादा शत्रु इनके जो है हो गए थे, दूसरा रीज़न ये है। तीसरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि उस टाइम तक जब ये पुर्तगाली आए थे भारत में और उसी टाइम जो हुआ था उस टाइम तक जो है ब्राज़ील की खोज हो गई थी, तो इनका जो झुकाव था वो ब्राज़ील की तरफ भी होने लगा था काफ़ी ज़्यादा। और धीरे 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 होते होते जो भारत से बड़ा उपनिवेश इन्होंने किसको बना लिया था, ब्राज़ील को बना लिया था, क्लियर। और प्लस ये देखिए सारी चीज़ें किसके बारे में थी, पुर्तगालियों के बारे में थी। तो आई होप आपको ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डच के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।